हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको समझा दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एक इंट्रो वाला वीडियो बनाया था इस चैप्टर का, उसमें बताया था ना कि जब हम प्रॉफिट को शो करते हैं तब हम लोग प्लस बताते हैं, जब हम लोग नुकसान को शो करते हैं तो हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है, साइन जो होती है। और इंटरसाइज एक्चुअल में होता क्या, अगर आपको ये नहीं पता तो आप वो इंट्रो वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि इंटरसाइज की आखिर में डेफिनेशन क्या है, यानी कि इंटरसाइज का एक्चुअल में मतलब क्या, वहां पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है ना कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि यहां पर जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो इसमें जो भी नंबर है उसको आप लिखिए और उसमें साइन भी सही लगाइए। अगर वहां पर प्लस वाला साइन लगेगा तो प्लस वाली लगाइए, अगर वहां पर माइनस वाले साइन की जरूरत है तो माइनस वाले लगाइए। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पर देखो वर्ड आ गया एक अबव। अबव का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। तो ग्राउंड जो होगा, जमीन, जमीन से ऊपर वाली जो कुछ भी हमारे पास क्या कह सकते हो आप नंबर दी रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव से शो करेंगे, प्लस वाले नंबर से शो करेंगे। और अगर गहराई दिया रहता है, जैसे कुआं वगैरह खोदा रहता या फिर कुछ और गड्ढे वगैरह रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव से शो करते हैं, क्योंकि वो जो लेवल है उससे नीचे जा रहा है। तो लेवल से कभी भी जब कोई नीचे जाता है तो उसको माइनस शो करते हैं, और लेवल से जब ऊपर आता है तो उसको प्लस से। तो ग्राउंड के लेवल से ये क्या हो रहा है, अबव जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और कितना, तो 2000। तो इसका बस सिंपल आंसर हो जाएगा प्लस में 2000, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, अबव है, तो बस इसका आंसर प्लस 2000 हो गया। और आपको कुछ लिखना चाहिए नहीं, वहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत है ही नहीं। बी वाला देखो, ए सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई होता है। जैसे सी का लेवल है ना, समुद्र है, तो समुद्र से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्लस वाला साइन लगेगा। और अगर समुद्र के नीचे है, गहराई में कुछ है, तो वो फिर क्या हो जाता है, माइनस का साइन में आ जाता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, डेप्थ हो रहा है, यानी कि गहराई में जा रहा है। कितना गहराई में जा रहा है, तो 800 मीटर बिलो द सी, यानी कि समुद्र से 800 मीटर नीचे जा रहा है। जैसे कि ये मान लो समुद्र है, तो इसके नीचे में सबमरीन चल रहा है 800 मीटर में, तो इसका हो जाएगा, बस नीचे है तो समझो सिंपल माइनस, तो माइनस 800। उसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए डिपॉजिट ऑफ रुपी 200, 200 रुपये, 200 रुपी क्या किया गया, जमा किया गया। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, बैंक में जमा करना, कहीं भी जमा करना, ठीक है। तो 200 रुपये जब आप जमा करोगे तो वो क्या होगा, आपके पास एक्स्ट्रा रुपये जमा होते जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लस से शो, प्रॉफिट होगा, डिपॉजिट होगा, तो ये सब चीज़ें प्लस में आती हैं। नुकसान हो जाएगा या फिर आप पैसा निकाल लोगे तो वो सब चीज़ें क्या होती है, माइनस में आती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, जमा किया है, और कितना, 200, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 200। सेकेंड वाला हम देखो, विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है पैसा को निकाल लेना, वापस ले लेना। तो पैसा को वापस ले लिया गया, कितना, 700, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस हाँ ये डिपॉजिट वाला है, ये विड्रॉल वाला है। तो 700 रुपये वापस लिया गया, तो यहाँ पर जब निकाला जाएगा या नुकसान होगा तब वहाँ पर हम लोग माइनस शो करते हैं, तो बस माइनस 700 हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपस में थोड़ा सा कोरिलेटेड ही है, वहाँ पर भी हमको बस अपोजिट बताना था, यहाँ पर हमको साइन से प्रेजेंट करना है, यानी कि रिप्रेजेंट करना नंबर्स को। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टूडियो में, जहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको समझना बहुत ही अच्छा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंटीजर को बेसिक से समझना चाहते हो तो उसको आपको नंबर लाइन में समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्टूडियो में करेंगे, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।